हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को अब कब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिश के बारे में। देखिए, डीडी फ्री डिश हमारे जो है दूरदर्शन की एक फैसिलिटी है, जो कि हमारे इंडिया कंट्री में ही अवेलेबल है। ये 11 स्टेट्स को कवर करता है, और साथ साथ जो है डीडी फ्री डिश एक पैसा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से 2003 में रिलीज़ किया गया था, जिसमें ये सेटेलाइट के द्वारा जो है बहुत सारे चैनल्स के ब्रॉडकास्टर्स को रिलीज़ करता है, जहाँ पे लोग बहुत इस सुविधा के कारण जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो है इससे कनेक्टेड हैं, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूज़र्स को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट प्लस इंफोटेनमेंट प्लस इसमें न्यूज़ चैनल्स प्लस म्यूज़िक चैनल्स प्लस मूवी चैनल्स देखने को मिलते हैं। साथ साथ जो है इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज भी मिलती हैं, लाइक ऑडियो FM एंड रेडियो चैनल्स की फैसिलिटी भी मिलती है, जो आप अपने टेलीविज़न में सुन सकते हैं। साथ साथ जो है आपको काफ़ी प्राइवेट चैनल्स भी मिलते हैं, यानी कि इसमें 26 जो है DD के चैनल्स, यानी दूरदर्शन के चैनल्स हैं, जिसमें रीजनल और स्टेट लेवल चैनल्स भी अवेलेबल है, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, और बाकी प्राइवेट चैनल्स भी मिलते हैं डीडी फ्री डिश के स्लॉट्स में। ये जितने भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है प्रसार भारती के द्वारा, इंडियाज़ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर यानी प्रसार भारती तरफ से ये फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है पूरे देश भर में, जहाँ पे लोग जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जिसको भी मासिक शुल्क नहीं देना पड़ता है उसके उसमें आप यूज़र्स जो है देख पाते हैं। डीडी फ्री डिश आजकल बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है देखा जा रहा है। इसमें जो इस चैनल्स डीडी फ्री डिश के स्लॉट में आता है उसकी TRP बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चैनल्स को देख पाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, जो चैनल्स वाप पहले चल रहे थे, चाहे सोनी पल हो, चाहे सोनी वाह हो, और रिश्ते हो, रिश्ते सिनेप्लेक्स हो, जी अनमोल हो, जी एस अनमोल सिनेमा हो, स्टार उत्सव मूवीज़ हो, तो बहुत सारे जितने भी चैनल्स चल रहे थे जब तक डीडी फ्री डिश स्लॉट में, उनके TRP यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से जो है ये चैनल्स काफ़ी अच्छी TRP पे चल रहे थे। लेकिन जब से ट्राई का रूल लागू हुआ, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे ट्राई का रूल लागू हुआ, उसके बाद जो है ये सारे चैनल्स जो है पेड में चले गए, यानी कि 130 रुपये प्लस 18% GST को मिला के 153 रुपये में चले गए। तो ये सारे चैनल्स जब से पेड पे गए, तो पेड पे जाने के बाद इनकी TRP डाउन हो गई। TRP डाउन होने से क्या हुआ कि जब ये TRP डाउन इसलिए होगी क्योंकि जो लोग इन चैनल्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलियंस ऑफ यूज़र्स देख रहे थे, इसकी वजह से इनकी TRP हाई थी। पेड में जाने के बाद से जो जो पब्लिक क्या है कि पब्लिक जो पेड कर रही है वो नए सीरियल्स को देखना पसंद करती है। थैंक यू फ्रेंड्स।